कांग्रेचुलेशन बैड कॉप के लिए। थैंक यू। ये बैड कॉप है। हाँ, ये कॉप भी बैड कॉप ही है, कॉप भी है, मैं सिर्फ बैड हूँ। आप सिर्फ बैड, आप क से कस्बे हैं और मैं क से कर। पुलसन जी आप ही बताइए, बैड कॉप के अंदाज में आप दिखाई देने वाले हैं इस बार। अभी तो हमें कुछ दिखाया नहीं गया, ये भी नहीं पता है कि ये कब आ रहा है। थोड़ा सा बताइए कि गुड कॉप कर लिया मैंने वो दूसरे वाले शो में, तो इसमें बैड कॉप कर रहा हूँ। अच्छा लगा मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मनोरंजक कहानी है, मनोरंजक किरदार है। और आप इनको टाइगर श्रॉफ के अवतार में देखोगे। एक्शन किया मैं। इन्होंने जिस तरह का एक्शन किया ना इसमें, टाइगर कोई नहीं कर सकता, इनमें खतरनाक एक्शन किया है। सर पीछे इतना बड़ा कोट आप फिर मतलब इल्जाम आप पे लगता है, कोट ये दे देते हैं निकाल के। मैं डायलॉग राइटर हूँ, मेरा लाइन कोट की तरह निकलता है। नहीं नहीं भाई, एक्शन करना मुश्किल था काफ़ी मेरे लिए। आदित्य दत्त जिनके साथ मैंने पहले भी एक फिल्म किया हुआ है, कमांडो 3 में उनका खलनायक था, यहाँ पे उनका नायक हूँ, तो वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एक्शन करना है, उसके लिए एक एंड्योरेंस चाहिए बॉडी में, जो जिसके लिए परिश्रम करना पड़ा। लेकिन हाँ, काफ़ी मुश्किल तो था, एक दिन तो उन्होंने उसको भगा भगा के एक दिन नहीं, बहुत कई सारी रातें मैं और कई सारे दिन भाग भाग के मैं, मेरा तो भाई पानी निकाल दिया उन्होंने। लेकिन मज़ा बहुत है, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, देखने में भी खतरनाक, वेरी एंटरटेनिंग, रोल भी बहुत ही एंटरटेनिंग था, सीन्स भी बहुत मज़ेदार लिखे हुए थे। और मुझे ना ऐसे वैरायटी पसंद है कि वो वाला कर लिया एकदम रियलिस्टिक जोन में, कर लिया कुछ ये अपने रोहित शेट्टी जोन में भी कर लेते हैं, लेकिन इसको मैं कैसे करूँगा, वो मेरे लिए हमेशा रोमांचक होता है। अनुराग जी, हमने सुना कि फुल फ्लैश आ रहे हैं आप इस फिल्म, फुल फ्लैश रहा मतलब काफ़ी मोटा था तो फुल फ्लैश नहीं आऊँगा। साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, सब जगह हर भाषा में फिल्म करता हूँ। नहीं नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आया, रोल करने में बहुत मजा आया, फाइट सीन्स करने करते हुए। फाइट सीन्स तो इसकी वजह से कर पाया मैं, बिकॉज मेरी जब कर रहा था फिजिकल फिटनेस का मेरा लेवल उतना नहीं था, ये भाई साहब थे आदित्य दत्त के साथ काम कर चुके थे, इन्होंने मुझे बताया मुझे मार रहे तो कैसे मार खानी है, कैसे गिरना है, तो वो सब ये करते, मेरे को हेल्प करता था लिटरली स्टेप। तो इसका जो ट्रेनिंग हुआ आदित्य के साथ, इसने मेरे को बहुत हेल्प किया एक्शन सीन्स में, नहीं तो मेरे बस का है नहीं एक्शन सीन करना। हाँ, वो मैंने हेल्प किया, नहीं तो नहीं होता मुझसे नहीं होता, कैसे मार खानी है और कैसे पिटना है और कैसे मारना है, तो मेरी काफी हेल्प ये करता था स्टेप वाइज, बिकॉज़ सीन्स तो अच्छे से कर देते हैं, एक्शन करना इनके लिए थोड़ा मिले थोड़ा मुश्किल है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, अच्छा एक डायरेक्शन एंड प्रोडक्शंस प्रोड्यूस करने से ज्यादा इजी होता है विलेन बनना, मार खाना, मारना, ऐसे आपसे पूछना। यार देखो, इजी तो कुछ भी नहीं होता, सिंसियरली सब कुछ करना पड़ता है। मैं चाहे डायरेक्शन करूं, प्रोडक्शन करूं, कुछ भी, मैं काम सिंसियरली करता हूं, मतलब मैं अपने आप को उस लेवल का एक्टर मानता ही नहीं हूँ जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ। क्या ना कि कई बार क्या होता है, कई लोग की एक पर्सनैलिटी होती है, जो कहीं एक पर्सनैलिटी और कैरेक्टर जब मिलते हैं तो वो चीज़ वर्क कर जाती है, इसमें शायद वो हुआ। हाँ, मैं अगर एज ए डायरेक्टर देखो, मैं खुद को कभी कास्ट नहीं करता लेकिन हाँ, इसमें कुछ हुआ और कुछ हो गया, बट द थिंग इज एनी डे आई प्रेफर टू डायरेक्ट एंड राइट। प्रोड्यूस करना भी मेरे लिए बहुत भारी काम है, मजबूरी में करना पड़ता है, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी फिल्मों से लोग डर जाते हैं। नहीं नहीं, एक फिल्म आपने मेरे लिए मेरे साथ भी प्रोड्यूस किया जिससे डरेंगे नहीं लोग, बच्चों की फिल्म की है आपने, येलो बूट्स, लिटिल थॉमस, लिटिल थॉमस आगे आएगी, एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है, लेकिन प्रोड्यूस में मतलब ऐसे अलग लेवल पे करता हूँ, वो मैं काम करने वाले असली लोग कोई और होते हैं, मैं बस पीछे खड़ा नहीं, नहीं वैसी वाली डरावनी फिल्म नहीं है ये, मैं बच्चों वाली फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। जैसे कि आप पहले भी काम कर चुके हो एक साथ, लेकिन आप बतौर एक्टर थे, और अब आप जब दोनों एक्टिंग, पहले इनसे कोई बातचीत ही नहीं होती थी, ये हमेशा आके सीन डायरेक्ट करते थे, बहुत छूट देते थे जब ये डायरेक्टर थे कि हाँ ये सीन तुम्हारा है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसको कैसे निभाओगे वगैरह, बहुत क्रिएटिव फ्रीडम देते थे और करने देते थे एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर,
और कई बार इंटेलिजेंट भी हो जाते थे, 12-12 मिनट कटिंग ले रहे हैं, ये एडिट में फंसते हैं, ठीक है। तो लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। मुझे पहली बार ऐसा मुझे लगा कि अनुराग और गुलशन बैठ के बात कर सकते थे सेट पे, वो मौका मिला उसको। मैंने शॉट्स के बीच में टाइम था, एक्शन डिजाइन करने में टाइम लगता है, बहुत बहुत बातचीत की, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मुझे मेरा पहला मौका दिया था, अच्छा मौका दिया था, मुझ पर भरोसा भी किया। फिर मेरे दोस्त से शादी की इन्होंने, तो फिर वो एक रिश्ता अलग था, फिर है ना, वो हो जाता है ऐसे, तो रिश्ते बदलते हैं। फिर एक दूरी आ गई क्योंकि वो उनकी शादी टूट गई, वो आपस में फिर उनकी दोस्ती वापस शुरू हुई, तो हमारे, लेकिन कभी ऐसे बातचीत मिलके बैठ के बात नहीं करते थे। लेकिन इस बार वो एक मौका मिल गया बैठ के, खूब सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद साथ में टाइम, बिकॉज आई थॉट आई कैन नेवर हैव अ कन्वर्सेशन विद अनुराग कश्यप, तो बट आई कुड, सो दैट आई एंजॉयड। जो भी बोलता है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनको, क्योंकि मेरा पहला मौका दिया था, जो जितना भरोसा इन्होंने मुझ पे और अपने एक्टरों पे, एक्टरों को देते हैं, इट्स अ गिफ्ट, तो इतना भरोसा कोई डायरेक्टर इतनी आसानी से देता नहीं है। सो आई एम वेरी इंडेटेड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज इन्होंने दिया, बतौर डायरेक्टर एंड एज प्रोड्यूसर ऑल्सो, हंटर प्रोड्यूस किया था इन्होंने। मतलब कह सकते हैं अनुराग जी बतौर डायरेक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, कुछ स्ट्रिक्ट नहीं। मैं कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता हूँ, ना एज अ प्रोड्यूसर ना एज अ डायरेक्टर, अनुराग इज अनुराग, मैं मुफट हूँ, ऐसे ही है, ऐसे ही घुस के जो इन्होंने बोला था ना, ये अनुराग, मैं मेरा फिल्टर नहीं है कुछ, और तुम लोग उसका बहुत सबसे ज़्यादा फायदा उसका तुम लोग उठाते हो, मुझे पता है। इवन जैसे कि आपने बोला मैं डायलॉग राइटर भी हूँ, तो मैं सर्वाइव करता हूँ, अगर राइटिंग या स्क्रीन राइटर की बात करें तो मूवी जब बनती है तो कहीं ना कहीं राइटर्स का नाम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दिया जाता है, कभी कभी पता भी नहीं रहता राइटर्स कौन है, तो आपका, मेरे को वो टी शर्ट पहन के आनी चाहिए थी, रिटन बाय कादर खान। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि राइटर्स का कितना अहम पार्ट? बहुत बहुत अहम पार्ट होता है फिल्म में, सबसे इम्पोर्टेंट पहले राइटर होता है, दूसरा एडिटर होता है, फिर डायरेक्टर होता है, तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सिनेमाटोग्राफर सब इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं वही बताऊँ, अच्छी फिल्म सब मिलके बनाते हैं, खराब फिल्म सिर्फ डायरेक्टर बनाता है, तो मेरी जितनी घटिया फिल्म है वो सिर्फ मैंने बनाई है, जो अच्छी फिल्म है सबने मिलके बनाई है। अकॉर्डिंग टू यू अनुराग जी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन, अब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपके अलावा आप इंडस्ट्री में विलेन किसे बहुत पसंद करते हैं, ये विलेन के अंदाज में बहुत अच्छा लगता है, हमारे असली विलेन इस देश के पर्दे पे नहीं है, पर्दे के परे। वो सवाल कुछ पूछ रहा है, हम जवाब कुछ और दे। अभी हीरो विलेन वाला टाइप चला गया, अभी सब ग्रे है, हीरो है, एंटी हीरो है, लोग है, ऐसे अभी कुछ नहीं है, वो जमाना अलग था जब मुझे लोग सिर्फ विलेन की तरह देखते हैं, और मुझे लोग अक्सर विलेन के रोल में ही देखते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों विलेन के रोल में देखते हैं, और हीरो में बनना नहीं चाहता। मैंने कहा मुझे अच्छा किसी का बाप बना दो, भाई बना दो, उसमें ज्यादा खुश हूँ, मेरे से एक्शन नहीं होता, मैं उस उम्र में भी नहीं हूँ और उस फिजिकल स्टेज में भी नहीं हूँ कि मैं एक्शन कर सकूँ, लेकिन बहुत एक्शन कराया है मेरे से इस बार, और ये लीना जी के लिए क्या वहाँ बैठी हैं लीना जी, हाँ इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे को एक्टिंग कराई, नहीं इमोशनल ब्लैकमेल वेपन कुछ नहीं है, आपने दोस्त के लिए किया आपने, तो उन्होंने मुझे, और मैंने थोड़ा साथ दिया, बस थोड़ा सा, नहीं वो आज कुछ भी नहीं बोलने, ग्रे का भी नहीं, इतना कुछ तो बोल दिया उन्होंने ऑलरेडी। आप कॉप के अंदाज में किसे आप देखते हैं, लाइक कॉप तो हम हमारे मेरा पता नहीं यार, वो अलग अलग रोल में, मतलब सिंघम देखा था तो अजय देवगन अच्छे लगे थे मुझे, और उससे पहले अर्धसत्य देखा था तो ओमपुरी अच्छे लगे, ओमपुरी जंजीर का अमिताभ बच्चन, वो सारे अलग अलग किरदार हैं, अर्धसत्य का ओमपुरी, सरफरोश का आमिर खान, हाँ, आमिर खान। कॉप तो नौकरी होता है ना, पर्सनैलिटी नहीं होता है ना किसी का, दबंग का सलमान खान, तो कॉप का पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकता है, जैसे दो पर्सनैलिटी से कॉप मैं खुद कर रहा हूँ, बैड कॉप में कर रहा हूँ, और देवीलाल सिंह बना था वो अलग पर्सनैलिटी है, तो कॉप पर्सनैलिटी नहीं होता है किसी का, चरित्र नहीं होता है, नौकरी है, हाँ वो नौकरी है, सो
लेकिन ये सारे जितने भी नाम मैंने लिए, इन्होंने लिए, वो सारे उन सब ने बहुत मज़ेदार ढंग से कॉप का किरदार निभाया। चलिए, रिलीज डेट तो अभी हमें शायद पता नहीं है क्या एग्जैक्ट डेट है, लेकिन आप अगर बता सके कि ये कब तक आ जाएगी एंड मालूम नहीं इनको पता है, हाल फिलहाल में आ जाएगी, काफी हमारा स्टूडियो के इश्यूज जो सॉर्ट आउट हो रहे थे, जो सब जग जाहिर है, तो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, रब आ जाएगी। कुछ हेल्प चाहिए मेरी तरफ से? कुछ नहीं, चलो, थैंक यू।